हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये क्या गोली? तुम तो मर गए। ये कैसा हुआ? अनमोल चीज कहाँ चली गई? समझ में नहीं आ रहा। एसीपी साहब का डेस्क चेक करूं क्या? अरे नहीं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझ पे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मिल गया, मेरा अनमोल पेन मिल गया। अब मुझे कवि बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है फ्रेडी, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या खुशी की बात है, हमें भी तो बताओ। सुनना तो आपको पड़ेगा ही। मैं जानता हूं सर, एक आप ही है जो मेरी कला की कदर करते हैं। तुम्हारी कला की कदर? ये कागज क्यों फैलाए यहाँ पे? इन्हें कागज मत कहिए सर, ये एक कवि के दिल के अनमोल रत्न है। कवि के दिल के अनमोल रतन? लेकिन ये कवि कहाँ है? यहीं पे है, इसी बीरो में आपके सामने खड़ा है। तुम कवि भी हो? क्या बात है? मैंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी है सर, जिन्हें सुन के आपका दिल पसीज जाएगा, आपकी आंखों में से आंसू बहने लगेंगे। तो क्या बात है, सुनाओ। सुनाऊं? हर शाम अपने आंगन में बैठ के जब मैं डूबते सूरज को देखता हूं, हर शाम अपने आंगन में बैठ के जब मैं डूबते सूरज को देखता हूं, तो मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि सूरज के साथ साथ पंकज क्यों ना चला गया। पंकज? तो तुमने पंकज पे कविता लिख डाली? बहुत याद आ रही है पंकज की? हाँ सर, पंकज की बहुत याद आ रही है। वैसे मैंने एक और कविता लिखी है। एक और? अभिजीत सर और तारिका के ऊपर। ठीक है, ये भी सुना दो। अभिजीत सर को पसंद है फॉरेंसिक लैब में जाना, अभिजीत सर को पसंद है फॉरेंसिक लैब में जाना, डॉक्टर तारिका से पूछते हैं वो केस का ताना बाना। जुर्म से जब बात बढ़ती है रिश्तों पे, तो डॉक्टर सालूम के का वही पे आ जाना। बड़ी बहुत प्यारी कविता थी, मेरा दिल तो पसीज गया। उससे पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाए प्लीज। बस नहीं, मैंने और दो चार कविताएं लिखी है, वो तुम दीवारों को सुनाओ। नहीं नहीं, प्लीज फ्रेडी, बस प्लीज। थैंक गॉड सही समय पे फोन आ गया। हेलो, क्या
खून, दो दो खून, वो भी जेल में। आइए सर, आइए सर। शरीर पे और कहीं भी कोई चोट या जख्म का निशान नहीं है। इसकी मौत गोली लगने की वजह से ही हुई है। कहीं कोई एग्जिट वुंड भी नहीं है, इसका मतलब गोली शायद शरीर के अंदर ही। सर यहां पे तो गन नहीं है। इससे एक बात तो तय है, इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा, ना इन्होंने आत्महत्या की, नहीं तो गन्स यहीं कहीं होती। जरूर किसी तीसरे आदमी ने इनका खून किया। जेल में खून? ऐसा कैसे हो सकता है? इन दोनों के साथ तो कोई तीसरा कैदी भी नहीं था। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ जेलर साहब, जेल के स्पेशल सेल में कैद दो कैदी, वो मारे जाते हैं। कैसे? किसी ने गोलियां चलने की आवाज भी नहीं सुनी? नहीं सर, फंक्शन में गाना इतना तेज बज रहा था कि ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गाना जितना भी तेज बज रहा हो, गोली की आवाज को नहीं दबा सकता। सर शायद गन पर साइलेंसर लगा होगा। मतलब तुम ये तो मान रहे, तुम्हारी मौजूदगी में कोई जेल के अंदर गन लेकर आया, वो भी साइलेंसर वाली गन, और इन दोनों को मार दिया? नहीं सर, अंदर तो कोई भी नहीं आया, हम दोनों तो यही पहरा दे रहे थे, है ना? हाँ सर। गोली की आवाज नहीं सुनी, किसी को अंदर आते नहीं देखा, कैसे हो सकता है? कहीं तुम दोनों भी बाहर फंक्शन में गाना सुनने तो नहीं चले गए थे? नहीं नहीं सर, हम दोनों तो यही थे। आप जेलर साहब से पूछ लीजिए। ये ठीक कह रहे हैं, ये दोनों यही ड्यूटी कर रहे थे। सर मैं इन दोनों को फॉरेंसिक लैब ले जाती हूँ। विकी और चंदन की लाश की पोजीशन को देख के लगता है कि जिस वक्त गोली चली वो दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। शायद दोनों सो रहे होंगे जब इन्हें गोली मारी गई। लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन देखना ये गोली चली कहां से। पर एक बात तय है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की, एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई, गोली चलाई किसी तीसरे आदमी ने। और जिस वक्त गोली चली, इस सेल में इन दोनों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। सेल का दरवाजा भी बाहर से बंद था, तो गोली सेल के अंदर से तो चली नहीं, गोली सेल के बाहर से चली, शायद यहां से। एक काम करो, लाश की पोजीशन पर लेट जाओ। आप मुझे कह रहे? हाँ, यहां कोई और तो है नहीं। ठीक है सर, अगर आप कह रहे तो मैं सो जाता हूं। रेडी रेडी। अरे सर सचमुच गोली मत मार देना। घबरा मत, बंदूक खाली है। यहां से पूरी बंदूक को अंदर घुसाना तो मुश्किल है, बाहर से भी गोली चलाई होगी तो जाके लगेगी सामने वाली दीवार में। इस एंगल से विक्की और चंदन को गोली मारना तो नामुमकिन है। गोली यहां से तो नहीं चली होगी। तो फिर गोली कहां से चली? हो सकता है वहां से, रोशनदान से। मगर रोशनदान तो काफी ऊंचा है और उस पर नेट लगी हुई है। सो तो है फ्रेडी। एक काम करते हैं, मैं बाहर जाके रोशनदान को चेक करता हूँ, तुम जाके जेलर साहब से मिलो, उनसे विक्की और चंदन के बारे में पूछताछ करो। उठ जाऊं? जेलर साहब बाहर हैं, उठना तो पड़ेगा। जेलर साहब, ये विक्की और चंदन किस जुर्म की सजा काट रहे थे? ये दोनों बैंकों और अमीर लोगों के घरों में घुसकर चोरियां किया करते थे। ऐसे कैदियों को स्पेशल सेल में नहीं रखा जाता ना? ठीक है, ज्यादातर हम लोग ऐसे खूंखार कैदियों को स्पेशल सेल में रखते हैं जिन्होंने खून वगैरह किया। तो फिर आपने उन्हें वहां पे क्यों रखा है? नाक में दम कर दिया था इन्होंने, रोज किसी न किसी के साथ मारा मारी झगड़ा, इसलिए मैंने इन दोनों को दूसरे कैदियों से अलग कर दिया। झगड़ा मारा मारी, फिर तो काफी दुश्मन बना लिए होंगे इन दोनों ने इस जेल में। कोई भी कैदी इन्हें पसंद नहीं करता था। जेलर साहब, खून किसी कैदी ने किया है? लेकिन सर उनकी सेल के बाहर हमेशा सिक्योरिटी गार्ड का पहरा रहता था। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी दो खून हो चुके? मैं सोच रहा हूँ, जबकि हमारे
जेल के अनुशासन और नियम बहुत कड़े हैं। उसके बावजूद दो कैदियों का कत्ल हो गया। हर आदमी की जांच पड़ताल की जाती है, हर चीज की जांच पड़ताल की जाती है, बावजूद उसके मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया। आपको यकीन करना पड़ेगा जेलर साहब, क्योंकि हकीकत यह है कि आपकी निगरानी में दो दो खून हो चुके हैं। कैदियों से मिलने कौन कौन विजिटर्स आते थे उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है। ये रोशनदान तो काफी ऊंचाई पर है, यहां तक पहुंचने के लिए उन्हीं को या तो ऊंचा स्टूल या फिर सीढ़ी की या घोड़ी की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन ऐसा कोई भी सामान यहां तक लाना या फिर यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है। उन्हीं ऊपर कैसे चढ़ा, और अगर वो वहां चढ़ भी गया तो गोली कैसे चलाए, क्योंकि जाली के साथ कोई छेड़खानी तो की नहीं गई, ना ही जाली में कोई छेद है। सर, मैंने जेलर साहब से कह के सारे विजिटर्स की लिस्ट मंगवा ली है जो कैदियों से मिलने आते थे। वेरी गुड। डॉक्टर तारिका, क्या था रेखा जी, आपने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। मैं क्या कर सकती हूँ रजत, मैं वही कह रही हूँ जो सबूत मुझे बता रहे। ये दोनों कैदियों पर दो अलग अलग एंगल से ही गोलियां चली है। लेकिन अलग अलग एंगल से कैसे? विकी पर जो गोली चली है वो करीबन 60 डिग्री एंगल से चली है। 60 डिग्री मतलब गोली यहाँ से चली? हाँ। और चंदन पर जो गोली चली है वो करीब 20 डिग्री एंगल से चली। 20 डिग्री मतलब यहाँ से? हाँ। तो क्या खूनी ने घुटने पे बैठकर गोली चलाई थी? अब एंगल तो यही दिखा रहा है। हाँ, मेरा दिमाग और भी चकरा। आपका कहना है कि गोली सेल के अंदर से चली, लेकिन यहाँ किसी भी तीसरे आदमी के होने की कोई संभावना है? हमने पूरा सेल चेक किया, यहाँ कोई भी खुफिया रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता है लोगों के अंदर आने का, और वो है ये दरवाजा। सर, ये किसी अंदर वाले का काम तो नहीं है? हो सकता है। ये लीजिए सर, जो जो इन कैदियों से मिलने आता था उन सारों नामों की लिस्ट। थैंक यू। ये देखिए सर, जसलोक नाम का एक आदमी है जो पिछले एक महीने से दो कैदियों से मिलने हर रोज जेल में आ रहा है। दोनों कैदियों के नाम? मुन्ना और जकोटा। मुन्ना और जकोटा से मिलते हैं। जल्दी आओ, ये मुन्ना है और ये जकोटा। स्पेशल सेल की 7 वाली जेल में रखा गया है इनको। मुन्ना और जकोटा, किस जुर्म की सजा काट रहे हैं तुम? लूटे रहे हैं तुम। सुनसान हाईवे पर मुसाफिरों को रोक कर उनके पैसे गहने वगैरह छीन लेते हैं। पर कभी किसी मुसाफिर का नुकसान नहीं किया साहब। मुसाफिरों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जेल के अंदर दो दो खून कर दिए। दो दो खून? साहब ये क्या कह रहे हैं आप, किसी का खून करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। बनो मत, विक्की और चंदन के साथ तुम दोनों का 36 का आंकड़ा था ना? 36 का नहीं, 37 का कहिए। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इन दोनों की उन दोनों के साथ तूतू में ना हुई हो। कई बार तो हाथापाई की नौबत आई है। साहब, विक्की और चंदन को तो आपने अलग सेल में बंद कर दिया था, फिर हम उन्हें कैसे मार सकते हैं साहब? मार सकते हैं, जरूर मार सकते हैं, अपने उस साथी की मदद से जो पिछले एक महीने से हर रोज तुम दोनों से यहाँ मिलने आता। साथी? आप लोग किस साथी की बात कर रहे हैं साहब? जसलोक की बात कर रहे हैं। जसलोक? वो तो वो क्या, जसलोक का नाम सुनते ही तुम दोनों के पसीने के छूटने लगे। आप लोग गलत समझ रहे हैं साहब, हमारा और जसलोक का ऐसा कोई इरादा नहीं था साहब। तो फिर क्या इरादा था? सच सच बता दो, वरना जसलोक से तो सच निकलवा ही लेंगे हम। अब हमें सब सच बता देना चाहिए, वरना दो दो कत्ल का इल्जाम हमारे सर पे आ जाएगा। आपस में खुसुर पुसुर करने से कुछ नहीं होगा, जल्दी बोलो क्या बोलना है। साहब, विक्की और चंदन हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त थे। झूठ? फिर से झूठ? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब। हम चारों जसलोक की मदद से जेल तोड़ के भागने की साजिश कर रहे थे। जेल तोड़ कर भागने की साजिश? हाँ साहब, इसीलिए उस दिन हमने जेल में झगड़े का नाटक किया था ताकि आप लोगों को हमारे ऊपर शक ना हो। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। देखो, अगर ये बात गलत निकली ना तो आप फिक्र मत कीजिए जेलर साहब, जब भी जसलोक हमारे हाथ लगेगा सच तो बाहर आ ही जाएगा। किसी और पर शक है आपको? ये अजय और वो सत्तू, इन दोनों की भी बहुत बहसबाजी हुआ करती थी विकी और चंदन के साथ। बहस तो होगी ना साहब, वो दोनों हर वक्त झगड़ा करने का बहाना ढूंढते रहते थे। हाँ हाँ साहब,
बिना झगड़ा करे उनका तो खाना ही हजम नहीं होता था। कहीं तुम दोनों का झगड़ा जकोटा और मुन्ना जैसा नकली तो नहीं था? नकली? नहीं नहीं साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? लो, तुमने अपने ही मुंह से कह दिया कि झगड़ा असली था। इसका मतलब तुम लोगों के पास ठोस वजह थी उन दोनों की जान लेने की। नहीं नहीं साहब, हम खूनी नहीं है, हम तो मामूली चोर उचक्के हैं, और हम खून क्यों करेंगे उनका? हाँ साहब, वैसे भी जेलर साहब ने उन दोनों को जब से स्पेशल सेल में डाला है तब से हम दोनों का वहाँ आसपास भटकना भी मुश्किल हो गया था। जेलर साहब, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो स्पेशल सेल में जा सकते हैं? सबसे ज्यादा तो इस मनोहर का जाना आना होता था उस सेल में, यही उस सेल की साफ सफाई किया करता था। हाँ साहब, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं ही उस सेल की साफ सफाई करता था। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? हाँ साहब, बेवजह झगड़ा करते थे, धक्का मारते थे, कई बार उन्होंने थप्पड़ भी मारे थे। अरे, वो दोनों तुम्हें मारा पीटा करते थे, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? साहब, उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर मैंने किसी शिकायत की तो मुझे और मारेंगे। मनोहर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों तुम्हें बहुत तंग करते थे इसलिए तुम्ही ने उन दोनों का? साहब, मैं तो उनके पास जाने से भी डरता था, मैं उनकी जान कैसे लूंगा साहब? मच्छर था साहब, उनके सामने मैं एक मच्छर। जेलर साहब, क्या हो रहा है आपकी जेल में? स्टाफ की पिटाई हो रही, दो दो कैदियों का खून हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ, मुझे तो लगता था कि मेरी जेल में प्रशासन ठीक से चल रहा है, मगर तुम कौन? ये धनसुख है, चाय वाला, ये भी उस सेल में जाया करता था सुबह शाम चाय देने के लिए। अरे क्या हुआ धनसुख? रुक, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ किया नहीं तो बात क्यों रहा था? मैं डर गया था साहब। बेगुनाह लोग डरते नहीं है समझे? क्या तुम्हारा भाई कोई झगड़ा हुआ था उनके साथ? नहीं साहब, मुझसे तो दोनों प्यार से बातें करते थे। आखिरी बार चाय कब देने गए थे उन्हें? कोई 7:30-8 बजे के करीब। यानी फंक्शन शुरू होने से पहले? हाँ साहब, पर मैं अंदर नहीं गया। क्यों, अंदर क्यों नहीं गए? साहब, मेरी चाय खत्म हो गई थी इसलिए मैं बाहर से ही वापस आ गया। लेकिन सेल के पास तो गए थे ना, कुछ तो देखा होगा तुमने, क्या उस वक्त दोनों ठीक थे? हाँ साहब, दोनों अच्छे भले थे, आपस में बातें भी कर रहे थे। बातें कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे, कुछ सुना था तुमने? हाँ साहब, याद आया। क्या है, क्या बात है? अरे भाई, ये क्या मुसीबत है, मच्छरों ने काट काट कर बेहाल कर दिया है, जीना आराम हो गया है? अरे मच्छर काट रहे हैं तो मच्छरदानी मंगवाऊं? जाओ चुपचाप सो जाओ। अरे यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है और सोने की बात कर रहे हो? पता नहीं ऊपर से ये रोशनदान की जाली किसने निकाल दी है, अब तो मच्छरों की ऐसा है यहाँ पे। तुम लोगों का ना रोज रोज का नाटक हो गया है, कभी मारपीट करते हो, कभी गुंडागर्दी करते हो, तो कभी मच्छर का बहाना करते हो। यार चुपचाप सो जाओ। अरे धनसुख, इधर आ तू और चाय पिला। मांग ये करा, इधर आ। चाय खत्म हो गई, अभी लाता हूँ थोड़ी देर में। अभी मेरे लिए चाय खत्म हो गई, जा जल्दी लेके आ। ओ, तो ये बातें हो रही थी। मगर सर, जब हम पहली दफा स्पेशल सेल में आए तब तो रोशनदान के ऊपर नेट लगा हुआ था ना? हाँ फ्रेडी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसा होगा कि फंक्शन से पहले ही मौका पाकर खूनी ने रोशनदान से नेट हटा दिया होगा, फिर उसने फंक्शन के शुरू होने का इंतजार किया होगा। जैसे ही फंक्शन शुरू हुआ सब लोग बाहर चले गए और खूनी ने विक्की और चंदन को गोली से मार दिया, फिर वापस भागने से पहले उसने रोशनदान पर नेट वापस लगा दिया। सर, ये रहा जसलोक, बड़ी मुश्किल से हाथ लगाया, 9-2-11 होने के फिराक में था। तो आप हैं मिस्टर जसलोक, जो पिछले एक महीने से हर रोज मुन्ना, जकोटा, विक्की और चंदन से मिलने के लिए जेल में जाते थे? हा? क्या बकवास कर रहे हैं सर, एक तो आपका ऑफिसर मुझे जबरदस्ती उठाकर लेकर आया, ऊपर से आप अनाप शनाप बके जा रहे हैं। अरे जेल में किसी से मिलना गुनाह है क्या? जी नहीं, जेल में किसी से मिलना गुनाह नहीं है, लेकिन जेल से भागने में किसी की मदद करना गुनाह जरूर है। सर, मैंने किसी की मदद नहीं की और ना ही किसी साजिश में मेरा कोई हाथ है। देखो, मुन्ना और जकोटा अपना मुंह खोल चुके हैं, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम हमारा समय बर्बाद ना करो, बोलो सच। सर, मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने किसी की मदद नहीं की तो नहीं की। बड़ी लगता है ये भाई साहब शराफत से कुछ नहीं बताने वाले, इनके ऊपर उस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। समझ गया मैं। सर, किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। सर बताएं ना प्लीज। अरे
ये क्या है? ये सच बोलने का इंजेक्शन है। सच बोलने का इंजेक्शन? एक बार अगर ये इंजेक्शन लग जाए ना तो आदमी तोते की तरह सच बोलने लगता है। सर 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 सर, इसकी जरूरत नहीं, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ सर। मैं नुस्खा काम में आ गया। तुम क्यों रुक गए? शुरू हो जाओ। हाँ हाँ सर, मैंने उन लोगों का मदद करने का वादा किया था, वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे दोस्त थे। और जेल से निकलने के बाद इन चारों का क्या प्लान था? सर वो मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ जेल से निकलवाने में मदद कर रहा था। उसके बदले में वो लोग मुझे 10 लाख रुपए देने वाले थे सर। 10 लाख रुपए? गोलियां शायद उस रोशनदान से ही चली है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर तारिका ने कहा था कि एक गोली यहां से 60 डिग्री एंगल से चली और दूसरी गोली यहां से 20 डिग्री एंगल से चली, लेकिन अगर दोनों गोलियां एक ही दिशा से उस रोशनदान से आई तो दोनों कैदियों को अलग अलग एंगल से कैसे लगी? सर कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? नहीं फ्रेडी, दिशा तो सही है, बस देखना यह है कि हवा का रुख किस तरफ है। हवा, दिशा, मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों कैदियों के खून का उस रोशनदान से कोई ना कोई संबंध जरूर है, लेकिन क्या यह समझ में नहीं आ रहा? कहीं खूनी रोशनदान से तो अंदर नहीं आया? क्या फ्रेडी, रोशनदान का साइज देखा है तुम? इतने छोटे से रोशनदान से एक पूरा इंसान अंदर कैसे आ सकता है? अरे तो क्या सर, गन खुद उड़ के आई अंदर। क्या कहा तुमने? नहीं सर, नहीं, शायद सही कहा तुमने। गन उड़ के ही सेल के अंदर आई। गन उड़ के अंदर आई? हो सकता है गन किसी ऐसी चीज के साथ जुड़ी हुई जो उड़ सकती, जैसे कि कोई खिलौना। हाँ सर, वो छोटे छोटे खिलौने होते ना, वो हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन, जिन्हें रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है। एग्जैक्टली, दरअसल हुआ कुछ ऐसा होगा कि खूनी रोशनदान के उस तरफ नीचे खड़ा हो, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, उसने इस रोशनदान के जरिए हेलीकॉप्टर को अंदर भेजा होगा। हेलीकॉप्टर में एक कैमरा फिट होगा जिसके जरिए खूनी देख सकता था कि हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एक मैकेनिज्म होगा जिससे वो दोनों गोलियां चली होंगी, जिससे कि विकी और चंदन की नींद में ही मौत हो गई। ओह, अब समझ में आया, गोलियां दो अलग अलग एंगल से कैसे चली है। करेक्ट। वो हेलीकॉप्टर भी कुछ इस तरह का होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर वो उस रोशनदान से सेल में घुस नहीं पाता। इसका मतलब ये काम किसी अंदर वाले का ही, जिसे अच्छी तरह से पता था कि रोशनदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। हो सकता है ये आदमी कोई जेल का कैदी या फिर जेल का ही कोई आदमी, क्योंकि बाहर का कोई आदमी इतनी प्लानिंग से खून नहीं कर सकता। सर ये मुजरिम भी क्या नए नए तरीके निकालते हैं खून करने के लिए, अगर इतना दिमाग किसी अच्छे काम में लगा दें तो समाज का कितना भला हो सकता है। हाँ ये बात तो है श्रेया, खूनी ने दिमाग तो बहुत लगाया इसमें, रिमोट वाला हेलीकॉप्टर और रिमोट वाली गन। और इस तरह का हेलीकॉप्टर बाजार में तो मिलता नहीं होगा, खूनी ने जरूर किसी खास दुकान या कारीगर से बनवाया होगा। प्रिया शहर में जितनी भी इस तरह की दुकानें हैं जहाँ पे कस्टम मेड चीजें बनती हैं वहाँ पता करते हैं। अच्छा वैसा हेलीकॉप्टर चाहिए था आपको? हाँ क्यों? मुझे लगा ऐसे हेलीकॉप्टर से तो जवान लोग खेलते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बुड्ढा दिखता हूँ तुमको? मेरा वो मतलब नहीं था सर। तो फिर क्या मतलब था? मुझे सिर्फ इतना बताओ तुम्हारे पास इस तरीके का हेलीकॉप्टर है या नहीं? नहीं। अरे तो पहले बताना चाहिए था, इतनी देर से टाइम पास कर रहा था क्या, सुबह से कोई मिला नहीं? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। आपकी दुकान में रिमोट कंट्रोल से चलने वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा हेलीकॉप्टर तो हमारे दुकान में नहीं मिलता है। अगर ऐसा हेलीकॉप्टर आपकी दुकान में नहीं मिलता है तो आपको पता तो होगा ये कहाँ मिलता है। एक काम कीजिए सर, आगे चले जाइए और पूछ लीजिए, उनको शायद पता होगा कहाँ मिलता है। आपको नहीं पता? नहीं। तो ऐसा बोलो ना। उस तरफ से नहीं मिला भाई, उस तरफ भी कुछ नहीं।
क्या फ्रेंड, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। उधर एक दुकान है, चल के पूछना। कहिए सर, क्या चाहिए आपको? आपकी दुकान में रिमोट वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? हाँ जी मिलते हैं सर। दिखाइए जरा। फिलहाल तो सब बिक चुके हैं, अगर आप कहें तो आपके लिए ऑर्डर से मंगवा देता हूँ। जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि उस हेलीकॉप्टर पे गन और कैमरा क्यों फिट किया आपने? गन कैमरा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि उस तरह के हेलीकॉप्टर सिर्फ आपकी दुकान पे मिलते हैं, इसलिए आप ये बताइए कि उस हेलीकॉप्टर पे आपने गन और कैमरा क्यों फिट किया? आप लोग बेवजह मुझे बदनाम कर रहे हैं। अच्छा तो आप लोग ऐसे नहीं माने, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लीजिए, आपने मदद मांगने के लिए फोन उठाया था और CID हाजिर। CID? जी हाँ CID। अब बताइए किसके कहने पर आपने ये खास हेलीकॉप्टर बनवाया था? किसी के नहीं सर। किसी के नहीं? दो दो खून हुए हैं आपके इस कातिल खिलौने से, और वो भी जेल में। दो दो खून, वो भी जेल में? ये बताइए कि किसके लिए किया है ये सब आप? बोलो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप नहीं जानते तो शायद कोई और जानता होगा। आपके अलावा और कौन है इस दुकान में? इस दुकान में तो मेरे अलावा बस मेरा आदमी राजेश। कहाँ है राजेश, बुलाओ उसे। वो तो अभी बाहर गया है, बस आता ही होगा। ये लीजिए राजेश, ये लोग CID से हैं। CID? ए रुक, अगर हेलीकॉप्टर में भागते तो शायद बच भी जाते, लेकिन अफसोस। गलती हुई साहब, मैंने जो कुछ भी किया पैसों के लिए किया। उस आदमी ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे हेलीकॉप्टर में गन फिट करने के लिए। पैसों के लालच में तुमने एक खूनी की मदद की हा? गलती हो गई साहब, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूं। जेल से निकलोगे तो दोबारा करोगे ना? किसने पैसे दिए थे? पता नहीं, उसका ना तो नंबर याद है, ना एड्रेस और ना ही नाम। चेहरा याद है उसका? शक्ल थोड़ी थोड़ी याद है उसकी। कम से कम कुछ तो याद आया इसे श्रेया। इसे स्केच बनवा लेते हैं और अपने क्रिमिनल डाटाबेस में चेक करते हैं, हो सकता है ये कोई पुराना अपराधी हो। आंख सर थोड़ी सी छोटी और थोड़ी सी लंबी। ये सही, होंठ बिल्कुल सही, ऐसा है। और बाल सर? बाल छोटे छोटे थोड़े से और सुनहले कलर का। हाँ सर, स्केच रेडी है। ये वही आदमी है? यस मैम, वही है। श्रेया काम कर, अपने क्रिमिनल डाटाबेस में देखो, हो सकता है पुराना क्रिमिनल हुई। सर जगन नाम का पुराना मुजरिम है सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर चोरी चकारी के जुर्म में कई बार जेल की चक्की भी पीस चुका है। छोटा मोटा चोरी करने वाला ये खूनी कब से बन गया? सर पिछले 6 महीने से उसी वसंत वज्र जेल में था, जहाँ पर विक्की और चंदन भी थे।
इसका मतलब ये तीनों आपस में जरूर मिले होंगे और तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये क्या, हफ्ते भर पहले ये जेल से छूटा है और जेल से छूटते ही सीधा हेलीकॉप्टर बनवाने पहुंच गया। लेकिन सर, जेल से छूटने के बाद ये फंक्शन के दौरान जेल के अंदर घुसा कैसे? किसी ने इसे देखा कैसे नहीं? हो सकता है श्रेया कि ये खुद ना गया हो और विक्की और चंदन को मारने में इसकी मदद की हो किसी ने। अपने कबरियों को काम पे लगा दो, पता करो कि ये जगन है कहां पे। सर, देखो रिंकू, अगर तुम्हारी खबर गलत निकली ना तो सोच। क्या साहब, रिंकू की खबर आज तक गलत निकली है? जो आप निकलेगी, जिस कबूतर की आपको तलाश है उसने यहीं पे घोंसला बना रखा, यही है उसका घर। ये है जगन का ठिकाना। ठीक है रिंकू, ये रखो तुम अपने पास। दूध वाला? दूध वाला? इस वक्त? ओए, ये कोई दूध देने का टाइम है क्या? इसका जब मन करता है ना तभी वो दूध देती है। सुबह दूध नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आज तक तो तेरी बहन सुबह ही दूध देती थी, अबे रात को कब से देने लगी? क्या करें, सीआईडी के आने का कोई वक्त ही नहीं होता। सीआईडी? पास्ता किधर? बोल, क्यों मरवाया तूने विक्की और चंदन को? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी विक्की और चंदन के साथ। अगर तेरी कोई दुश्मनी नहीं थी तो उन्हें मरवाया क्यों तू? पैसों के लिए। किसने दिए थे पैसे? बताओ किसने दिए थे पैसे तुम्हें ये सब काम करवाने के लिए? हेलो, मैं जगन बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे कभी फोन मत करना। देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या, धमकी दे रहे हो मुझे? आज रात 9:30 ज्वाला रोड इंतजार करूंगा, अगर नहीं आए तो। नहीं आए तो क्या कर लोगे? हेलो हेलो, नहीं आया तो क्या कर लोगे? आज तुमसे मिलकर तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा। अब तो मैंने आप लोगों का काम कर दिया है, अब मैं जाऊं सर। अरे ऐसे कैसे जाने दे, अभी तक तो तुमने इंसाफ का आटा गूंदा है, प्रायश्चित की रोटी तो पकानी अभी बाकी है। इंसाफ का आटा, प्रायश्चित की रोटी, मैं कुछ समझा नहीं सर। तुमने खूनी को हमारे बनाए हुए जाल में तो बुला लिया, लेकिन तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं होता है। उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं नहीं सर, मैंने उसे धमकी देकर उसे बहुत गुस्सा दिला दिया, अगर मैं वहां गया ना तो वो मुझे भी मार डालेगा। बड़ा डर लग रहा है तुम्हें मौत से? उस वक्त एक बार भी नहीं सोचा जब जेल में दो कैदियों को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग चल रही थी? सर, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ सर कि आज के बाद मैं कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। कैसे करें तुम्हारे वादे पे यकीन? एक जुर्म की सजा काट के आया हो और दूसरा गुनाह कर बैठे। सर मेरे लिए नहीं तो कम से कम मेरे बीवी बच्चों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बिना उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बड़ी फिक्र है ना तुम्हें अपने परिवार की, जुर्म करते वक्त एक बार भी ख्याल नहीं आया उनका? सर मुझे एक मौका दे दीजिए अच्छा इंसान बनने के, मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। ठीक है, जिसका भी हाथ है इन सब के पीछे वो जल्द से जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। अच्छा हो गया तुम्हारे। मुझे सीआईडी की धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो सीआईडी तुम्हारी वजह से मुझे पीछे पड़ी है, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे सीआईडी से बचाओ। अच्छा, मैंने जो तुमसे काम करवाया उसकी कीमत मैं दे चुका हूँ, और तुम्हें सीआईडी से बचाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। देखो मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना, तुम्हें सीआईडी से बताना ही होगा
ये असली गुनेगार तू, समझे ना? अच्छा, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तेरा तो एक ही इलाज है। नहीं 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 नहीं, इतना बड़ा धोखा। सीआईडी के सामने गोलीबारी अच्छी बात नहीं है। से गाड़ी चला रहा है, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। सिर पे गोली मारो। बाबू, खेल खत्म तुम्हारा। चल, जाने दो मुझे। चल, जाने दे। जाने दे। शर्मानी चाहिए तुम्हें। कानून की सेवा करते और दो दो कैदियों का खून कर डाला। मैंने उन लोगों को मारने का इरादा बहुत पहले ही कर लिया था। इंतजार था तो बस एक सही मौके का, और वो मौका मुझे मिला जेल के उस फंक्शन के दौरान। क्यों, ऐसा क्या किया था उन दोनों ने तुम्हारे साथ जो पुलिस में होते हुए भी तुमने कानून को अपने हाथ में लिया? उन लोगों ने मेरी बहन के घर चोरी तो की ही थी, साथ ही साथ उन्होंने मेरी बहन अर्चना के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती की थी। क्या, तो तुमने ये बात किसी से कही क्यों नहीं? मैं डरता था कि समाज में बदनामी होगी, मेरी बहन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बस इसी डर से मैं अपना मुंह बंद करके बैठा था, और विक्की और चंदन इसी डर का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे थे। नजरे क्यों चुरा रहे हो विजय बाबू? लगता है हमें देखकर विजय बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए नजरे चुरा लेते हैं। क्यों? पर चंदन, हमें देखकर विजय बाबू को रोना क्यों आता है? क्योंकि शायद इसे अपनी बहन अर्चना की याद आ जाती है। अरे बाप रे चंदन, चंदन इसे गुस्सा आ रहा है, इसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। चंदन, चंदन मुझे डर लग रहा है, चंदन मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये अगले हफ्ते तक 20,000 रुपए मिल जाने चाहिए हमें, वरना तेरी बहन अर्चना की दुखद कहानी ना बहुत जल्दी पूरे शहर की जुबान पे होगी बेटा, समझा? और आंखें मत घूर ना दिखा, चल काम कर अपना। हंसलो जितना हंसना है हंसलो, वो पल दूर नहीं जब एक बहन पर हुई अत्याचार का बदला एक भाई अपने हाथों से लेगा। आप ही बताइए सर, हर पल अपमान का घूंट पीकर जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। माना तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ गलत हुआ, पर ये सोचकर चुप बैठ जाना कि बदनामी होगी, ये बहुत ही गलत और पिछड़ी हुई सोच है। और औरतों पे जुर्म बढ़ने का ये भी एक कारण है, औरतें बदनामी के डर से कानून का दरवाजा नहीं खटखटाती, और चंदन और विक्की जैसे लोगों के हौसले और भी बढ़ जाते हैं। आप शायद ठीक कह रहे हैं, पर अपनी बहन को और दर्द में देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसीलिए उन लोगों को सजा देने का जिम्मा मैंने अपने कांधों पर उठाया और जगन की मदद से हेलीकॉप्टर में गन लगवाई, और उस गन की मदद से तुमने जो किया अपनी बहन का बदला लेने के लिए किया, पर अगर बदले की आड़ में हर इंसान जुर्म करने लगे तो समाज में जंगल राज फैलने में देर नहीं लगेगी। मैंने जिन लोगों को मारा वो कोई अच्छे लोग नहीं थे। ये सही है कि वो लोग अच्छे नहीं थे, लेकिन गुनाह तो फिर भी गुनाह होता है, और तुम्हें क्या सजा देनी है
यह बदालत तय करेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।